मोदी सरकार को 9 वर्ष पूर्ति अवसर में देश को मिलवा जाऊँगी नूआ संसद भवन। ब्रिटिश जुगर संसद भवन को विदाय देव भारत। नूतन संसद भवन रु तैयारी हेबो आत्मनिर्भर भारतर दिशा निर्देश। एथिपाई कहुई जुलाई तृतीय सप्ताह आरंभ होगा मौसुमी अधिवेशन कुआड़े यही नूआ संसद भवन रु ही हेबो। विराट विशाल भव्य भारत इतिहास स्वर्णिम पृष्ठा गरिमामय भारतीय लोकतंत्र पवित्र मंदिर हेब प्रतिष्ठा। गर्व और गौरवर त्रिकोण प्रसार आत्मनिर्भर भारतर मजबूत गढ़। बदलिब संसद भवनर ठिकणा। रविवार उद्घाटन होगा जाउछि भारतर नूआ संसद भवन। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। एने लोकसभा सचिवालय पक्षर जारी हो सारी निमंत्रण पत्र। देशर प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन को उद्घाटन करेंगे। मोदी सरकार 9 वर्ष पूर्ति अवसर में देश को मिलवा जाऊँगी नूआ संसद भवन। ब्रिटिश जुगर संसद भवन को विदाय देव भारत। नूतन संसद भवन रु तैयारी हेबो आत्मनिर्भर भारतर दिशा निर्देश। एथिपाई कहुई जुलाई तृतीय सप्ताह आरंभ होगा मौसुमी अधिवेशन नूआ भवन रु ही हेब। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर माथा टेककर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। शेष हो जाइछि नूआ संसद भवनर कार्य। मे 28 तारीख में नूआ संसद भवनर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन पूर्व रविवार सकाल पूजार्चना आरंभ होगा जहां अपराह्न जाए चलिबो। सर्वधर्म मंत्र उच्चारण कराजिबो। पर प्रधानमंत्री मोदी नूआ संसद भवन को देश उद्देश्य रे उत्सर्ग करेंगे। उपस्थित रहिबे लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला समस्त दलर सांसदों समेत अनेक विशिष्ट व्यक्ति को निमंत्रण दि जाइछि। एहा समस्त राजनीतिक दलगुड़िक कार्यक्रम में सामिल होगा निमंत्रण दि जाइछि। संसद की मौजूदा इमारत स्वतंत्र भारत के हर उतार चढ़ाव, हमारी हर चुनौतियां, हमारे समाधान, हमारी आशाओं आकांक्षाओं, हमारी सफलता का प्रतीक रही है। तेरे पूर्ण भवन ठारू यह केते भिन्न आउ एथिरे कोन सुविधा रही छी आसंतु जानिबा। लोकसभा और राज्यसभा पक्षरू 5 अगस्त 2019 रे नूआ संसद भवन निर्माण पई प्रस्ताव दिया जाइथिला। केंद्र सरकार यह ग्रहण करी 10 डिसेंबर 2020 रे प्रधानमंत्री मोदी यार भित्तिप्रस्तर रखिथिले। एहारो निर्माण पई टाटा प्रोजेक्ट्स को टेंडर दिया जाइथिला। नूआ संसद भवन 64,500 वर्गफुट स्थान रे तैयारी होईछि। 4 महला विशिष्ट ही पार्लियामेंट कोठारे 1224 जन सांसद बसिबार सुविधा रही। लोकसभार 888 और राज्यसभार 384 सांसद एठारे बसिपारे। इस संसद भवन रे एक बड़ हल लाइब्रेरी और पार्किंग सुविधा रही। 1 अक्टोबर 2020 रे संसदर काम आरंभ होता आज को ठीक 2 वर्ष 7 मास पूरण होई अर्थात 3 वर्ष भितरे संसद भवन तैयारी होई। नुआ संसद भवन निर्माण पाई प्रायतः 1200 कोटी खर्च होई। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया। इतना कुछ होने के बाद संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। तैयारी हुई नुआ संसद भवन में अत्याधुनिक व्यवस्था रही। गोटे भवन में रही उभय राज्यसभा और लोकसभा सदन। सांसद मानी एठारे अत्याधुनिक कार्यालय करा जेउठी बसी से गुरुत्वपूर्ण बैठक करें। नुआ संसद भवन भीतर दृश्य बेस सुंदर और आकर्षणीय। यही नुआ संसद भवन पुराना संसद भवन पाखरे ही तैयारी होई छी। एबे आपणक मनरे निश्चय प्रश्न आसुथिबो नुआ संसद भवन तयारी हेबा परे पुराना संसद भवन रे कोन हेबो। पूर्वरु कुआ जाईछि पुराना संसद भवन को हेरिटेज हॉल भाबे रखा जिवो। आगामी पीढ़ी यार इतिहास पढ़िबे। केमिति 100 वर्ष हेबो एही संसद भवन देश को बदलुथिबार देखिछि। पुराना संसद भवन इंग्रेज मान द्वारा 1927 मसीह या सेतेबेले एहाकु तैयारी करिबारे 6 वर्ष समय लागितला। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यही हुआ और पहली संसद भी यहीं बैठी। इसी संसद भवन में हमारे संविधान की रचना हुई, हमारे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। नवा संसद भवन तैयारी करिबार प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट को दिया जाइथिला। सेहिपरि एही बिल्डिंग रो डिजाइन एचसीपी डिजाइन मैनेजमेंट द्वारा करा जाइछे। 3 वर्ष भितरे कार्य शेष होगा पर प्रधानमंत्री मे 28 रे प्रधानमंत्री लोकतंत्रर एही मंदिर को उद्घाटन करिबे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।